यस बेटा, सिक्स्थ क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इनको मैं पहले आपको डिक्टेट करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको इसका व्हाट्सएप भी भेज दूंगी आंसर का। लेकिन आप कोशिश करें कि जो डिक्टेट किया जा रहा है उसी में से लिखने की आप कोशिश करें। प्रॉब्लम आती है तो फिर डिस्कस कर लेंगे। What are ingredients of food? Name the ingredients needed for the preparation of any three food items. ये दो पार्ट में क्वेश्चन बनेगा। पहला है What are ingredients of food? आप कई बार ingredients की डेफिनेशन लिख चुके हो, और उसके आगे है Name the ingredients needed for preparation of, तीन तरह के फूड आइटम बनाने के लिए उनके क्या है, उनमें किस किस चीज़ की या सामग्री की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन है मटेरियल्स। देखिए, विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। पहले ये लिखेंगे, आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर प्रिपेरेशन ऑफ एनी थ्री फूड्स आर। नंबर वन फूड आइटम है पोटैटो करी। पहला फूड आइटम हमारा क्या है, पोटैटो करी। वो बनाने के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे आप आसानी से इसको याद कर लें। पोटैटो करी के इंग्रेडिएंट्स आर पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस। आपने ऊपर भी पढ़ा है कि हमें पोटैटो करी बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। दूसरा फूड आइटम है हमारा स्प्राउट्स। हमें स्प्राउट्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स आर ग्रीन ग्राम, मूंग, वाटर, मसलिन, क्लॉथ एंड ए बॉल। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चने की या मूंग की। ये ग्रीन ग्राम होता है मूंग, पानी की, मसलिन क्लॉथ मलमल के कपड़े की एंड ए बाउल और एक कटोरे की, या जो भी आप बाउल लेते हैं उनकी ज़रूरत होती है। आगे आता है फूड आइटम, तीसरी चीज़ कौन सी है, डोसा। डोसा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स आर राइस, वाटर, ब्लैक ग्राम, साल्ट एंड वेजिटेबल्स। डोसा बनाने के लिए किन किन, चावल की, पानी की, काले नमक, काले चने की, साल्ट की और वेजिटेबल्स की, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है डोसा बनाने के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसके दो पार्ट थे, दोनों पार्ट को कंप्लीट करवा दिया गया है। ये पहला पार्ट था मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इस पूरे को आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, लिस्ट द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फूड बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, गिव फोर एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी। दो के लिस्ट द टू ब्रॉड, ये देखिए लिस्ट बनाई गई है फूड कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज आर, एक वेजिटेरियन फूड और एक नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसे लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे वेजिटेरियन फूड के चार पांच एग्जांपल्स। प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन फूड्स। प्लांट्स आर किसके सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन फूड्स के। एग्जांपल के लिए आप वेजिटेबल, फ्रूट, हनी, मिल्क, पल्सेस, ये सब क्या है, वेजिटेरियन फूड। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, नॉन वेजिटेरियन फूड। एनिमल्स आर सोर्सेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड्स। एग्जांपल लिखेंगे एग्स, फ्लैश, फिश या सी फूड्स। तो ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हैं, आप दो ये लिखेंगे। अब आगे आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ग्रुप द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स गिविंग टू एग्जांपल ऑफ ईच। तो सबसे पहले आता है हमारा कि ऑन बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज फॉलोज। तीन तरह से बांटा गया है। नंबर वन आता है हर्बीवर्स,
प्लांट ईटर जो प्लांट को खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट और देयर पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स एनिमल्स। एग्जाम्पल दे देंगे फिर काउ, बफेलोज, डियर, सेप एट्सेट्रा। अब आगे आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? फ्लैश ईटर्स जो मांस खाने वाले होते हैं, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोर्स एनिमल्स। एग्जाम्पल में लाइन, टाइगर, फॉक्स, डॉग, ऑल एट्सेट्रा। और नंबर थ्री आता है हमारा ओमनिवोर्स, प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स। एग्जाम्पल काउ, हैन, बियर एट्सेट्रा। इसी का एक और पार्ट आता है स्कैनवर्जिस, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड आर कॉल्ड स्कैनवेंजिस, स्कैनवेंजर्स। एग्जाम्पल है जैसे वल्चर है, जेकाल है, और ये आप लिख लेंगे। आगे आता है डिकम्पोजर्स, एनिमल्स ईट डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल है फंगी और बैक्टीरिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आप यहाँ तक चाहें तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यहीं तक लिख सकते और ये इसी के पार्ट है बेटा ओमनिवोर्स के ही। ये ओमनिवोर्स के सब पार्ट थे, ये तीनों यहीं तक लिख लें, यहीं तक लिख लेंगे, ये पीछे का छोड़ देंगे, ये बाद में आपको समझाएंगे। ओमनिवोर्स तक आप इसको लिखेंगे। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, शार्प फॉर फ्रंट टीथ ऑफ हर्बीवोर्स। इसका लिखेंगे कटिंग, क्या लिखेंगे? कटिंग। लॉन्ग पॉइंटेड कैनन्स ऑफ कार्निवोर्स, टियरिंग फ्लैश, क्या लिखेंगे? टियरिंग फ्लैश। कर्व्ड एंड पॉइंटेड बीक ऑफ ईगल, क्या लिखेंगे? टियरिंग फ्लैश। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग ऑफ कैमलियन टू कैच इंसेक्ट। ये चीजें किस किस काम आती है? देखो, शार्प फ्रंट टीथ ऑफ हर्बीवोर्स के जो सामने के टीथ होते हैं वो किस काम के आते हैं, किस काम के लिए होते हैं? कटिंग के लिए। लॉन्ग पॉइंटेड कैनन्स ऑफ कार्निवोर्स किसके काम आते हैं? टियरिंग फ्लैश, मांस को फाड़ने के लिए। कर्व्ड एंड पॉइंटेड बीक ऑफ ईगल, बाज की चोंच होती है, किसके काम आती है? टियरिंग फ्लैश, मांस को फाड़ने के लिए। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग ऑफ कैमलियंस टू कैच इंसेक्ट। तो ये बेटा आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। और अब सब बच्चे एक एक दो दो क्वेश्चन करके डेली इसको याद करें। कल मैं सभी बच्चों से, किसी से भी फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन याद होना चाहिए, ये सारे लिखने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन याद होना चाहिए। मैं फ़ोन करके सुनूंगी आपसे। ओके बेटा, गुड नाइट।